मुजफ्फरपुर में जो मामला है, सरकार का इसमें किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरह? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना है कि इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, बहुत ही दुखद मामला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं। जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। सरकारी अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की बात अब भी कम से कम सबको जागना चाहिए और सुविधा बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना चाहिए, डॉक्टर्स का इंतज़ाम करना चाहिए। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार का ये हाल है। तो इसमें मेरा सरकार से आग्रह होगा कि चिकित्सा पर पूरा ध्यान दें और हर हॉस्पिटल का यही हाल है कि डॉक्टर कहीं पर है ही नहीं, डॉक्टर की बहाली करें। ये माना जाए कि इंतजाम नाकाफी था, जाहिर सी बात है, इतने आदमी मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतना दुखद घटना हुआ। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान देखने नहीं गए बच्चों को। देखिए, आरोप प्रति आरोप की बात नहीं, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की, न सरकार को कुछ ये करना चाहिए, लेकिन अब सतर्क हो करके उस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरे मुस्तैदी से अब इस पर काम करना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है कि बच्चे बिहार में मर रहे हैं चमकी बुखार से और लगातार चिराग पासवान गोवा में मस्ती कर रहे हैं। सब आदमी का अपना प्राइवेट, कोई जानता तो नहीं था कि वहाँ पर ऐसा दुर्घटना होगा। अब हो गया, आए हैं तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। सबका सहानुभूति सारे लोगों का है, कोई विपक्ष के हों, पक्ष के हों, सबकी सहानुभूति है जो मृतक हैं उनके परिवार के साथ।